जेएसएससी कार्यालय महाघेराव में तमाम छात्र झारखंड के जो है सो अलग अलग कोने से जो है सो पहुंच चुके हैं और ये छात्रों का हुजूम देख सकते हैं, छात्रों का जो आक्रोश देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनके हक अधिकार को लेकर के लगातार इनके साथ उत्पीड़न की मामला चाहे जो जिस तरह की कहें, एक तरह से कहा जाए तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है, दूसरों को 20 लाख 30 लाख में बेचा जाता है नौकरी। ऐसे में तमाम झारखंड के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पहुँचे हैं और झारखंड के स्टूडेंट को सड़क पर हमेशा होना था है, यही स्टूडेंट एक बार फॉर्म निकलवाने के लिए यहाँ पे धरना पर थे और दूसरी बार पुनः फिर से बैन को लेकर के यहाँ पे धरना पर है। ये तमाम छात्र है और छात्र का जिंदगी इसी तरह से है क्योंकि छात्रों का भविष्य के साथ खेलना आम हो गया है और यही वजह है कि लोग जो है तो लगातार छात्रों के जीवन से खेलने का काम करते हैं वो केवल झारखंड में। और ये स्थिति आप खुद अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ है मामला पूरी। और तमाम छात्र हैं अलग अलग जगह से, वो चाहे स्टेट लाइब्रेरी हो चाहे झारखंड मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी हो, तमाम जगह से बच्चे जो है सो निकल पड़े हैं और जेएसएससी कार्यालय महाघेराव में अपना योगदान देने के लिए। हालांकि पूरी राजधानी रांची में धारा 144 लागू है लेकिन उसके बावजूद भी जेएसएससी कार्यालय जो है सो लोग घेराव के लिए निकले हैं। देखना ये है कि लंबे समय के बाद जिस तरह से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह छात्रों के साथ भेदभाव किया गया, क्या वाकई फिर से पुनः जिस तरह से छात्र बैठकर वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे करके जिस तरह से फॉर्म निकलवाए थे, क्या उस तरह फिर से फॉर्म निकलवा पाएंगे कि देखना यही है। हालांकि छात्रों को बार बार ये इस तरह से करना पड़ता है और बार बार ऐसे चीज़ें होती है कि एक बार फॉर्म निकालो उसमें धरना दो, फिर एग्ज़ाम हो भी रहा है तो उसको रद्द कराने का धरना दो। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा तो भाई छात्र अपना हक अधिकार को लेकर के जाहिर सी बात है वो लोग तो आएंगे ही और यही वजह है कि जिसके वजह से तमाम लोग जो है सो परेशान है, छात्र परेशान है। छात्र कभी सोचते हैं कि अब जैसे सीजे को देख देख करके मन करता है कि अब परीक्षा की तैयारी ही ना करें, अब मतलब तमाम लोग यहाँ पे हैं और ये चीज़ें बराबर देखने को मिलता है, एक से एक लोग नारेबाजी करते हैं लेकिन अब देखना यह है कि वाकई होता क्या है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। बाकी अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर रखें कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं। नमस्कार, जय हिंद। छात्रों को सुनिए किस तरह जोश में से बोल रहे हैं, पुलिस के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 संपूर्ण एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, संपूर्ण एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, और 28 और 4 तारीख होने वाला एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, चार को होने वाला एग्जाम भी रद्द करो, रद्द करो, चार को एग्जाम रद्द करो, रद्द करो, अरे चार का एग्जाम भी रद्द करो, रद्द करो, अरे जय सस्ती हाय हाय, हाय हाय हाय, अरे वीर सिन्हा हाय हाय, हाय हाय हाय, अरे वीर सिन्हा डूब रो, डूब रो, डूब रो, अरे सीट वैसे ना बंद करो, बंद करो।